ये कहानी आंध्र प्रदेश के अम्बुज स्वामी की है। अम्बुज स्वामी ट्रेन के ड्राइवर के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन रेलवे की नौकरी के दौरान उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो वो कभी भुला नहीं सकते। दिसंबर के महीने की बात है, एक नई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई थी। अम्बुज स्वामी और उनके असिस्टेंट शेखरन की ड्यूटी उसी ट्रेन में थी। ट्रेन सही समय पर मंजिल की ओर रवाना हो गई। आप समझते क्यों नहीं, ये मेरी रिजर्व सीट है, इस पर मैं आपको बैठने नहीं दे सकता। रिजर्व ही है ना, खरीदी तो नहीं है। आप बड़े बदतमीज टाइप के आदमी हैं। बदतमीज तो आप हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बीवी है, छोटा बच्चा है, आप थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी ट्रेन से घनश्याम भी यात्रा कर रहा था। दोनों यात्रियों के बीच बात बढ़ती देख उसने बीच बचाव किया, उसने दोनों को समझाया भी, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर वो एडजस्ट करके बैठ गए। 5-6 घंटे बाद ट्रेन अपने पहले स्टेशन पर रुकी। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, शुद्ध दूध की अदरक वाली चाय ले लो, चाय चाय। मूंगफली ले लो, मूंगफली करारे, मूंगफली सर्दी का भगा दे, मूंगफली। सर्दी कुछ ज्यादा ही थी, चाय वाले की चाय हाथों हाथ बिक गई, कई लोगों ने मूंगफली भी ली। ट्रेन फिर से मंजिल की ओर चल पड़ी। काफी धुंध के कारण ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अचानक अगले स्टेशन के आने के पहले जंगल वाले रास्ते पर सिग्नल लाल हो गया। अम्बुज स्वामी ने ट्रेन रोक दी। धुंध के कारण पहले ही ट्रेन लेट चल रही है, ऊपर से ये रेड सिग्नल है। अयो सर, आगे लाइन क्लियर नहीं होगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अम्बुज स्वामी हल्के होकर फिर से ट्रेन में चढ़कर बैठ गए, लेकिन उनका असिस्टेंट शेखरन वहाँ नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो भी हल्का होने गया होगा। अचानक उसे किसी लड़की के पायल की छनछन की आवाज आने लगी। इतनी रात को इस घने जंगल में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ए लड़की, तुम इतनी रात को रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तू मुझे भगाएगा यहाँ से? तेरे जैसे कितने आए और चले गए। चुड़ैल, शेखरना, जल्दी आओ, जल्दी आना शेखरना। बहुत शोर करता है तू, तेरा शेखरन तो गया, अब तू देर मत कर, ट्रेन स्टार्ट कर। लेकिन अभी तो रेड लाइट है, आगे एक्सीडेंट हो गया तो। अम्बुज स्वामी को ट्रेन स्टार्ट करनी ही पड़ी। उसके बाद तो ट्रेन बिना किसी रेड लाइट की परवाह किए पूरी स्पीड से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन निकलने लगी। चारों ओर हड़कंप मच गया। अरे ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? मुझे तो यही उतरना है। मुझे भी, हे भगवान, कहीं गाड़ी का ब्रेक तो नहीं फेल हो गया? रुकिए, मैं गाड़ी की चेन खींचता हूँ। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ट्रेन भी इतनी स्पीड में थी कि कोई ट्रेन से कूदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सर, रेड लाइट के बावजूद ट्रेन हमारे स्टेशन से निकल गई है, अम्बुज स्वामी से बात भी नहीं हो पा रही है। ओहो, सुनो, ट्रेन थोड़ी देर में सुरंग से होकर गुजरने वाली है, हमें जल्दी से सुरंग के बाहर उसे रोकना होगा, नहीं तो अगले स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से उसकी टक्कर हो जाएगी। सर, मैं अगले स्टेशन मास्टर से पूरी तरह कांटेक्ट में हूँ, हम ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, यह कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, ट्रेन सुरंग से बाहर आई ही नहीं। पूरा रेलवे डिपार्टमेंट आश्चर्यचकित था। पूरी मीडिया में ये खबर फैल गई कि ट्रेन सुरंग के अंदर गायब हो गई।
सबने बहुत कोशिश की लेकिन किसी को उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। लेकिन 3-4 दिन बाद ही उसी ट्रेन के कई यात्री एक साथ रेलवे अस्पताल के डॉक्टर के पास पहुंचे। सभी के चेहरे पर चोट के निशान थे लेकिन वो सभी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम ट्रेन से गिरकर मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ट्रेन की चेन क्यों नहीं खींच रहे हैं? मुझे यहीं उतरना है, घर पर मेरी बेटी इंतजार कर रही है। डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये सभी यात्री भी ट्रेन की तरह ही अस्पताल से गायब हो गए। इस बीच इस घटना को 15 दिन बीत गए। एक रात वही स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था, तभी उसे फिर से वही ट्रेन सुरंग में घुसती दिखाई दी, लेकिन इस बार भी ट्रेन बाहर नहीं निकली। धीरे धीरे लोग उस सुरंग को भूतिया बुलाने लगे, लेकिन उस रास्ते से ट्रेनों का चलना बंद नहीं हुआ। एक रात स्टेशन मास्टर को किसी के कराहने की आवाज सुरंग के पास से आई। कौन 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 है भाई, कौन है वहाँ? स्टेशन मास्टर साहब, मैं हूँ अंबुज स्वामी। अरे तुम तो उस स्पेशल ट्रेन के ड्राइवर हो ना जो गायब हो गई? वो ट्रेन एक चुड़ैल के जंगल में है, उसने सभी को मार दिया, सिर्फ मैं और ये लड़का घनश्याम बचे हैं। उस रात ट्रेन के सुरंग में घुसने के पहले ही हमें सुरंग के बाहर खूब सारा धुआं दिखा, एक अजीब सा जोर भी हमारे कान में पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कई सारा लोग एक साथ रो रहे हैं। पता नहीं हमें कहां से हिम्मत आई और हम ट्रेन से कूद गए। उस रात की घटना और चुड़ैल के बारे में बताते बताते दोनों बेहोश हो गए। स्टेशन मास्टर जल्दी से पानी लेकर आया और उनके ऊपर छिड़का, तब जाकर उन्हें होश आया। स्टेशन मास्टर जी, आप जल्दी से लालटेन या मशाल और केरोसिन तेल की व्यवस्था कर दीजिए, वो चुड़ैल अब भी इसी सुरंग में है। वो फिर से किसी ट्रेन को गायब करके उसके सारे यात्रियों को मार कर खाना चाहती है। हम जल्दी से जल्दी उस सुरंग के अंदर ही उसको मारना होगा। स्टेशन मास्टर ने पास के गांव वालों की मदद से सारी व्यवस्था कर ली और फिर सुरंग के दोनों सिरे पर आग लगा दी गई। ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी किसी को। चुड़ैल उस आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन वो सुरंग अब भी भूतिया सुरंग ही है। अभी भी उससे डरावनी डरावनी आवाज आती है। रेलवे ने सभी ट्रेनों का रूट बदलकर दूसरे रूट से ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया है।